राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों के लिए आज 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस बार 2274 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 20 लाख से अधिक मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। राजस्थान की 199 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 6.11% मतदान रिकॉर्ड किया गया। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के मतदान केंद्र संख्या 31A पर पहुंचकर वोट डाला। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों ने हमारे काम को देखा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा है कि हमने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया है। राजस्थान महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा, राजस्थान में आज मतदान का दिन है। राज्य के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग लें और भारी संख्या में मतदान करें। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने जयपुर के वैशाली नगर के पोलिंग बूथ संख्या 252 पर जाकर वोट डाला। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।